हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और टॉप ट्रैवल यूट्यूबर के बारे में, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के और प्रोफेशनल जो है ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तानिया खानीजाओ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तानिया जी ने जो है ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं उनके बायोग्राफी के बारे में, वो कैसे अर्निंग करती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप उनके वीडियोज़ देख के भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और मैं भी आपको बताऊँगा कि मतलब उनकी जो चैनल है उस पर वो किस तरीके के वीडियोस बनाती है और पहले के वीडियोस कैसे थे, और हम उनका ग्रोथ देखेंगे और उसकी अप्रोक्सीमेट अर्निंग भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसके इंस्टाग्राम पे जो है बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,000 से भी 11,000 नहीं 1,11,000 के आसपास उसके फॉलोअर्स है। आप देख सकते हैं कि वो फीचर्ड हुई थी टेडएक्स में इंडिया टुडे के अंदर, और बाकी जो है वो दिल्ली से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे उनका जो है एक वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप उनके जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और बाकी जो है उनके ब्लॉग या तो ब्लॉग जो है यूट्यूब के वीडियोस जो है देख सकते हैं, और आप चाहें तो उनके एडवर्टाइजमेंट पार्टनर भी बन सकते हैं। ये सब जो है उनके ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट पार्टनर है, और मतलब इनके सभी ब्रांड के साथ ये काम करते हैं, और आप चाहें तो उनसे भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेड टॉक भी जो है उन्होंने टेडएक्स पे अपनी स्पीच दी थी अपने बारे में मोटिवेशन, और यहाँ पे जो है इंडिया टुडे का जो है वो आर्टिकल है जहाँ पे उनके बारे में लिखा गया था कि भाई किस तरीके से ये ट्रैवल ब्लॉगर बनी है और ये सब जो अलग अलग चीज़ें होती है यहाँ पे लिखी गई है। सेम तरीके से जो है टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसमें भी उनका जो है उनके बारे में लिखा गया है कि उनकी एज जो है 26 ईयर्स है और दिल्ली बेस्ड है, फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर है और डिजिटल मार्केटर है। उसके अलावा कोरा पे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक्डइन पे जो है वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी जो है 2 साल से जो है ये यूट्यूबर है, और उन्होंने जो है बीटेक की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, यहाँ पे वो भी इन्फॉर्मेशन है। और बाद में जो है उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था डिजिटल मार्केटिंग में, कोई एक फॉर्म थी उसमें। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक पेज पर भी जो है काफ़ी फॉलोअर्स हैं उनके, 6,000 के ऊपर है, तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आपको ट्विटर पर भी जो है 5,000 प्लस फॉलोअर्स मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी जो है अच्छी बात है। यहाँ पे सभी लोग जो है अभी कोरोना वायरस के कारण जो है ब्लॉक हो चुके हैं, बट फिर भी जो है कुछ ना कुछ लोग बनाते रहते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें घर पे बैठे बैठे भी। तो आप भी जो है हमेशा ऐसा ना करें कि भाई बैठे रहें, कुछ नई नई चीज़ें जो है करते रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ न्यू सीरीज़ जो है वीडियो सीरीज़ की अनाउंसमेंट भी की है, इस पर अमेरिका ऑल्सो कोरोना वायरस अपडेट करके कुछ है, लाइट टू पेरेंट अबाउट ट्रैवल माई लॉकडाउन बर्थडे। तो भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि इंडिया वापस आ गई है या तो फिर किस तरीके से ट्रैवल कर रही थी और वापस आ गई है, और ये भी ये पुरानी कोई वीडियो को रिलीज़ कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल्स जो है जो प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाती है वो भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, और ये जैसे प्रोफेशनल है, बाकी नॉर्मल जो थंबनेल्स होते हैं ये वाले नॉर्मल है ब्लॉग के, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल है ट्रैवल ब्लॉग के। तो जैसा मुझे लग रहा है उनके साथ जो है ये अकेले मतलब खुद अपने वीडियोस नहीं बनाती है, वो एक वीडियोग्राफर के साथ ही सब जगह ट्रैवल करती है जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है। और अगर आपको पता है कि वो खुद से वीडियो बनाती है कि कोई उसके वीडियो बनाता है वीडियोग्राफर जो है वीडियो बनाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इनके ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, बहुत लिमिटेड वीडियोज़ है, फिर भी जो है इंडिया की टॉप पर ट्रैवल यूट्यूबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कहाँ कहाँ गई है, तो यहाँ पर लंदन यूके गई है, अफ्रीका, और यहाँ पे नागालैंड की एक सीरीज़ है, उसके अलावा जो है भूटान में भी गई है, बाली गई है, यूएसए में गई है, ताइवान गई है ये, ओके, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, स्पीति। तो इस तरीके से जो है बहुत ही लिमिटेड जगह गई है, बट फिर भी जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये जो है वीडियोज़ बनाती है। तो चलिए इसका जो है टॉप वीडियो देख लेते हैं कौन सा है। तो 1 मिलियन व्यू वाले जो है कुछ कुछ वीडियोस है इसके, पाँच छः वीडियोस है। एक तो यहाँ पे अफ्रीका का वीडियो है, उसके अलावा मेघालय, भूटान, नॉर्थ ईस्ट, साउथ गोवा वाला भी काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, मैंने देखा है, और ये भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और बेसिकली जो है इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाती है। अगर आप इसको जो है कंपेयर करें कि जैसे कि वरुण है माउंटेन ट्रेकर से, फिर नोमेड इंडियन है, नोमेडिक इंडियन वो जो है हिचहाइकिंग करके सस्ते में ट्रैवलिंग करने का कंसेप्ट है, बट इनका जो है इतना सस्ता ट्रैवलिंग का कोई खास कंसेप्ट नहीं है। बेसिक जहाँ पे जाते हैं हाई क्वालिटी के वीडियोस बनाते हैं, बहुत थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देती है, और उस टाइप के ही वीडियोज़ इसके होते हैं।
और अगर इसको हम ब्लड एंड बैंक्रप के साथ कंपेयर करें तो इनके कंपेयर में तो इनकी वीडियो कुछ नहीं है, मतलब यूनिक कंसेप्ट इतना नहीं है। इन्फॉर्मेशन देना जो होता है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वही है इसके अंदर, अलग अलग जगह पे जाके। मुझे लगता है अफ्रीका के साथ भी ट्रैवल, उनका जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवल अथॉरिटी होते हैं, उनके साथ कोलाब्रेशन करके शायद वो गई है वहाँ पे। तो चलिए इसका जो है अर्निंग भी देख लेते हैं। तो अभी तक जो है 94 ही अपलोड है और 300 के ऊपर जो है, 3 लाख के ऊपर जो है इसके सब्सक्राइबर है। तो इनको जो है सिल्वर बटन तो मिल ही गया होगा और इंडिया के ही है, 2012 से क्रिएट की हुई चैनल है। तो एक सेकंड, उसका पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था वो एक बार देख लेते हैं। ओल्डेस्ट वीडियो में हम जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2012 से तो चैनल बना के रखी थी, बट 2 साल से ही ये जो है चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि न्यूएस्ट वीडियो अगर हम देखते हैं तो महीने में एक एक दो तीन चार पाँच छः सात सात तक के आसपास कुछ वीडियो डाले हैं। तो इतने फ्रीक्वेंट वीडियोस भी ये डालती नहीं है। उसके अलावा उसके और भी चैनल है कि नहीं देख लेते हैं। नहीं है चैनल, अबाउट अस में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो इनकी अर्निंग जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे दिख रही है 300, मिनिमम जो है $300 से $500 के आसपास रही होगी। बट ये जो है डिजिटल मार्केटर है तो इनकी अर्निंग जो है ब्रांड जो होती है उनके साथ कोलोब्रेशन करके भी होती होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ब्रांड्स के साथ कोलोब्रेशन करती है, एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग करती होगी ये, और स्पॉन्सरशिप्स जो होती है उससे भी अर्निंग करती होगी। अभी यहाँ पे कोई टी शर्ट या ऐसा कुछ मर्चेंडाइज या तो लाइव स्ट्रीमिंग ये करती हो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, तो उससे कोई खास अर्निंग होती नहीं होगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि $600 अगर ये कमा रही है तो अप्रोक्सीमेटली 40-45 हज़ार के आसपास मंथली कमाती होगी। बाकी जो है ब्रांड के साथ कोलोब्रेशन करके भी बहुत अच्छा पैसा, मतलब मंथली मुझे लगता है कि 70,000 से ले 1 लाख रुपये तक की इसकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे ये जो अर्निंग दिखाते हैं वो एक्चुअल अर्निंग नहीं होती है। और इनको मैंने डायरेक्टली इंटरव्यू लेके भी नहीं पूछा है कि भाई आपकी अर्निंग कितनी है, और कोई ऐसे कोई बताता भी नहीं है। बट ये जो है अप्रोक्सीमेट अर्निंग होती है कि कितने व्यूज़ है उसके हिसाब से, बट एक्चुअल में जो है एड्स कितनी चलती है, कौन सी एड चलती है, कितनी बार चलती है, उसके बेस पे ही अर्निंग होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे अलग अलग टाइप की एड्स होती है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, बम्पर एड, ओवर स्ट्रीम एड, तो इस तरीके की अलग अलग टाइप की जो है एड्स होती है, उसके हिसाब से जो है आपकी मतलब यूट्यूबर्स की जो है अर्निंग होती है। तो ये भी आप समझ लें कैसे होता है ये। उसके अलावा इसको जो है सिल्वर प्ले बटन मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इसका जो है 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए तब जो है इसको गोल्ड बटन मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो बहुत ही हाई प्रोफेशनल वीडियोस जो है वीडियोग्राफर को लेके जो जाते हैं बनाते हैं वीडियोस, उसके ऊपर सब्सक्राइबर कम होते हैं। जो नेचुरली वीडियोस बनाते हैं जैसे कि डिजिटल नोमेड है या तो फिर सॉरी नोमेडिक इंडियन है या तो फिर माउंटेन ट्रेकर है, ब्लड एंड बैंकक्रप्ट है, ऐसे यूट्यूबर्स का ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि एक नया वे से वो जो है ट्रैवलिंग को दिखाते हैं और लोगों को सस्ता ट्रैवलिंग कैसे करना है वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला चैनल है और भी एक दो चैनल्स जो है जो कि गर्ल्स के ही है, जो प्रॉपर फिल्म मेकर्स जो होते हैं मतलब वीडियोग्राफर के साथ जा जा के जो है वीडियोस बनवाते हैं, बट फिर भी जो है उनका ग्रोथ मतलब इतना फास्ट नहीं होता है, 1 मिलियन व्यूज़ नहीं होते इतना फास्ट, क्योंकि लोगों को जो है रियलिटी देखनी है, रियलिटी का मतलब रियलिटी शोज़ का ज़माना है। तो इस टाइप का जो है फॉर्मेट थोड़ा कम लोगों को पसंद होता है, बट फिर भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को, इसीलिए वीडियोज़ जो है देखते हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया है कि इनकी अर्निंग कैसी थी, इनका थोड़ा सा बायोग्राफी भी पता चल गया और इसकी यूट्यूब चैनल भी हमने रिव्यू कर ली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।